शो दोस्तों, फाइनली वोडाफोन आइडिया यानी कि नया वी ग्रुप लॉन्च कर दिया है उसका वो वाईफाई सर्विस। हाँ दोस्तों, वो वाईफाई मतलब वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग। दोस्तों आपका वोडाफोन आइडिया में कोई भी नेटवर्क रहे या ना रहे, आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी जगह पर घुस के आपका उधर वाईफाई रहेगा तो थ्रू वाईफाई के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अपडेट वोडाफोन आइडिया की तरफ से आज निकल के आया। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने ये भी अनाउंस कर दिया कि किस किस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया अभी फिलहाल उसका वो वाईफाई लॉन्च किया है। आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। और दोस्तों उसी के साथ साथ मैंने आपको जैसा बताया कि इस 5G सेशन के तौर पे कोई भी नेटवर्क इंडिया में घुसेगा, ऐसा अभी तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया यानी कि नया वी हुआ, एयरटेल है, जियो है और BSNL है, और इसको छोड़ के भी कोई एक ऑपरेटर इंडिया में आएगा। और दोस्तों वो मेरा सस्पेंशन आज ठीक हुआ। जैसे दोस्तों अभी गूगल की तरफ से एक न्यूज निकल के गूगल ने फिलहाल बताया कि गूगल एयरटेल और जियो के साथ मिलकर इंडिया में लॉन्च करने चला है प्रोजेक्ट तारा। हाँ दोस्तों ये कोई सिम ऑपरेटर तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये जो ऑपरेटर होगा ये होगा इंटरनेट ऑपरेटर। और दोस्तों गूगल में ये जो सर्विस अब गूगल आपको प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट तारा के माध्यम से, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2-3 साल तक पूरा फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। तो दोस्तों क्या कुछ खबर आज निकल के आए हैं आपको जानना है तो ये वीडियो अंत तक आप देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्यदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला न्यूज निकल के आता है गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल ने ऑफिशियली बताया और ईटी टेलीकॉम की तरफ से भी ये न्यूज हमारे सामने निकल के आए हैं कि गूगल ने इंडिया में लॉन्च करने ही चला है प्रोजेक्ट तारा। हाँ दोस्तों, एक प्रोजेक्ट तारा एक इंटरनेट प्रोजेक्ट है, मतलब दोस्तों अब जिस जिस जगह पे अभी इंटरनेट का सर्विस बिल्कुल नहीं है उधर को ही देख के गूगल अभी लॉन्च करने चला है प्रोजेक्ट तारा का इंटरनेट सर्विस। और दोस्तों अभी फिलहाल इंडिया बहुत सारा डिजिटल हो चुका है और अगले में जाके भी डिजिटल होगा, क्योंकि दोस्तों पूरा इंडिया में होगा डिजिटलाइजेशन। और दोस्तों इस डिजिटलाइजेशन को ही देखते हुए गूगल ने लॉन्च करने चला है इंडिया में प्रोजेक्ट तारा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट तारा कोई तो सिम ऑपरेटर नहीं रहेगा, लेकिन एक ब्रॉडबैंड सर्विस रहेगा। ये दोस्तों ब्रॉडबैंड जो रहेगा ये कोई केबल वगैरह से कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहेगा, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा वायरलेस कनेक्शन। जैसे दोस्तों इधर कोई भी केबल भी आपका भी रिक्वायर नहीं है, आपका कोई भी लैपटॉप है, कोई भी कंप्यूटर है, मोबाइल है तो उधर चलेगा आसानी से। और दोस्तों गूगल ने यह भी बताया कि अभी फिलहाल वो एयरटेल और जियो के साथ बातचीत कर रहे हैं, मतलब एयरटेल और जियो के साथ मिलके ही वो लॉन्च करेगा प्रोजेक्ट तारा। और दोस्तों इधर स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक सेकेंड में 20 GB, मतलब दोस्तों 20 GBPS स्पीड आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है, मतलब टेस्टिंग के तौर पे है, टेस्टिंग अभी चल रहा है। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है लाइट बीम टेक्नोलॉजी गूगल का प्रोजेक्ट तारा की तरफ से। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आते हैं वी यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च कर दिया है उसका वो वाईफाई सर्विस, मतलब वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस। दोस्तों अब किधर भी रहो उधर वोडाफोन आइडिया का सर्विस नहीं है, मतलब नेटवर्क नहीं है, तो टेंशन लेने का बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने बताया ऑफिशियली कि अभी वो वाईफाई सर्विस वोडाफोन आइडिया का महाराष्ट्र, गोवा एंड कोलकाता सर्किल में स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अभी फिलहाल आप महाराष्ट्र, गोवा एंड कोलकाता सर्किल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग अप करके देख सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आता है 5G की तरफ से। हाँ दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि 5G 2021 में बिल्कुल लॉन्च नहीं हो पाएगा, वो पूरा कंप्लीट होते होते 2022 तक तो लग ही जाएगा। और दोस्तों जो 5G लॉन्च करेगा इसका कंपनी का नाम है 3GPP। और दोस्तों 3GPP के तरफ से एक हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आए हैं, जो दोस्तों ये बात बताया जा रहा है कि द न्यू टाइमलाइन क्रिएटेड वर्किंग अंडर द एजम्पशन दैट 3GPP कैन गो बैक टू मीटिंग इन पर्सन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 आफ्टर हैविंग मूव दिस ईयर टू वर्चुअल और ई मीटिंग एमिड द ग्लोबल
pandemic COVID-19. For this COVID-19 pandemic, 3GPP said it would make a firm decision with details on a quick time in 2021 or maybe late. मतलब दोस्तों जो 3GPP टेक्नोलॉजी हमारा 5G के लिए लगेगा ये दोस्तों अभी 2021 में इसका तो नीलामी हो सकता है लेकिन COVID-19 के वजह से ये थोड़ा बहुत पीछे भी जा सकते हैं. मतलब ये पकड़ सकते हो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया 5G होते होते 2022 का सितंबर या अक्टूबर महीना लग ही जाएगा. इधर दोस्तों अब बता दीजिए कि आप वोडाफोन आइडिया का वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग जो सर्विस है कि आप यूज करके देखे हो और दोस्तों क्या आप 5G के लिए एक्साइटेड हो और भी वेट कर रहे हो कब आएगा और क्या दोस्तों आप गूगल का प्रोजेक्ट तारा के लिए वेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना. बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा. वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चैनल पे नए हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले. तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम.